छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के लखोली एरिया में 200 परिवार के 1500 जनसंख्या के लोग निवासरत हैं। पिछले 25-30 साल से वहां पर मकान बना के रह रहे हैं। 1998 में एक बार इनको पट्टा भी दिया गया था, उसके बाद आज वर्तमान में इनके पास कोई पट्टा नहीं है, जबकि ज़मीन का जो टैक्स है वो हर साल जमा करते हैं, बिल जमा होता है, उसके बाद भी इनको पट्टा नहीं दिया गया है। पट्टा नहीं होने से ये लोग अपने घर का मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, और न ही जैसे कई बार ये लोग अपने मांग को लेकर के नगर निगम में कलेक्टर के पास जाते हैं, पर इनका कोई सुनवाई नहीं होता है। तो ये लोग दहशत में है कि कब इनको यहाँ से उठाकर कहीं और जगह ले जाएंगे। वहाँ पर अटल आवास बनाया गया है, और सरकार का कहना है, नगर निगम का कहना है कि आप सबको अटल आवास में जाकर रहना है, लेकिन ये परिवार नहीं चाहते हैं कि अटल आवास में जाएं। जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर रहना चाहते हैं। पट्टा पर्चा देना चाहिए। हमारा ये आए हो गए 30-35 साल हो गए मोहल्ला में, और हमारा ये पारा लोग सेलबो करते ततक संख्या कहाँ ले सके। अब ककरो चार झन लड़का है, बहू बेटा है, नाती नतरा है, ततक संख्या कहाँ ले सके भाई। और जब अपन जगह रोके हैं वही हमारा मकान बनाना जरूरी है, तो हम पट्टा पर्चा नहीं देने सेलबो कहाँ तक झल खुश है। हमें पट्टा की जरूरत है बेटा, हमें पैसा नहीं चाहिए, पट्टा चाहिए हम ही भाई, हम ही पट्टा के ज़्यादा ज़रूरी है। पट्टा की समस्या हमार बहुत है, गए भी हैं बहुत बार, गए हैं कलेक्टर ऑफिस गए, महापावर के पास गए, फिर अब कुछ मतलब ऐसे नहीं हो रहा है, टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब जिसके हैं खेती बाड़ी तो वो तो चले जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो कुछ नहीं है, गरीब इंसान रोज कमाना रोज खाना है। हम लोग को पट्टा चाहिए, पूरे एकते से एकता होकर बोल रहे हैं, पूरे कई बार चले गए हैं, महापौर के पास चले गए, कलेक्टर ऑफिस चले गए हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि पट्टे अभी नहीं बने हैं, और जब वोट मांगने आते हैं तो पट्टे बन गए करके बोलते हैं, और पट्टे नहीं दे रहे हैं। अरे कम से कम 25-30 साल हो गया, 25-30 साल हो गया हमको रहते, अब बस रात दिन बोलते हैं टूटेगा, ये टूटेगा तो कितना सहन करेंगे कान में, अगर बंदर भी कूदा थे तो टपक रहे हैं, कहाँ सोने बैठने को जगह नहीं रहता है, अभी बारिश में सोने का जगह नहीं रहता है, तो अब कोई सुधरवाएगा भी कोई कुछ करेगा तो ये टूटेगा, तो गरीब इंसान टूटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, अब बनवा भी लेंगे अब तोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। मकान बनाना चाह रहे हैं तो बना नहीं पा रहे हैं पट्टे की वजह से, टूटेंगे बोलते हैं इसको, और हमको आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए। आवास योजना का लाभ इसलिए मिलना चाहिए कि हम लोग मकान बनाना चाह रहे हैं तो गरीब आदमी है हम लोग, तो ऐसे ही रह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो भाई टूटेगा तो ये पहले से तोड़ना था, पहले से नहीं बचना देना था कि ये जगह टूटने वाला है, ये जगह कोई चीज बनेगा तो नहीं टूट मतलब इसमें मत बसो, तो गरीब इंसान कहीं भी अपन व्यवस्था कर लेते। अब अभी इतना साल हो गया रहते, अब वो आप टूटेगा टूटेगा कहते हैं तो कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। यहाँ पट्टा निर्धारित 1 वर्ष का दिया गया था, जिनमें से अभी इनको निरस्ता कर दिए गए हैं, चले गए। अभी 4 दिन पहले कलेक्टर के पास गए थे, उसके बाद निगम भी गए हैं, आवेदन सब जगह छोड़ के जा चुके हैं। उनका रवैया है कि उन लोग क्वार्टर में शिफ्ट करेंगे बोलते, जो वहाँ जब बन रहा है वहाँ शिफ्ट करेंगे करके बोल रहे हैं। हमको वो पक्की मकान नहीं चाहिए, हमारे जो झोपड़ी है वही चाहिए हमको, हमारे लिए वही मकान है, हमको वही मकान चाहिए, हमको दूसरा मकान नहीं चाहिए। हम लोग जाना ही नहीं चाहते वहाँ, हम लोग शुरू से यहाँ रहते हैं, वहाँ कोई चीज़ का साधन नहीं मिलेगा हमको, यहाँ हर चीज़ का हमको साधन है, घर है छोटा सा, फिर भी हमको सब चीज़ यही खुशी, हम लोग एक परिवार जैसे रहते हैं यहाँ। हमको पट्टा दे दे, हम ना उनसे पैसा मांगते हैं घर बनाने को, ना कुछ नहीं, जो हमारे समस्या है हम चाहे झोपड़ी में रहने चाहे हम बना के रहने, वहाँ समझते एक छोटा सा क्वार्टर मिलेगा आदमी अगर रह रहे हैं, नीचे में पार्किंग नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, तो हमें कुछ कार्यक्रम करवाना रहेगा, हमको ऊपर में फ्लैट मिल गए तो हम नीचे में आएंगे, नीचे में साइकिल गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि कोई भवन नहीं है, कुछ कार्यक्रम करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ साधन करवा रहे हैं, तो कोई चीज़ का सुविधा नहीं है वहाँ, तो इसलिए हम लोग जाना नहीं चाहते।
इस समस्या के समाधान हेतु जिला कलेक्टर राजनांदगांव जयप्रकाश मौर्या जी का नंबर है 07744224610। इस नंबर पर फ़ोन करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव जिले से।